अब आप लोगों को भाई सबसे ऊपर से सीन दिखाने लाया हूँ, इससे ऊंची जगह है नहीं यहाँ पे भैया पार्क का। जय देखो भाई, सही हो। देखो भाई दाल बाटी के लिए इतनी धूप में 3 बजे इतनी तेज आग जल रही है, जे देख रहे हो तुम इतनी तेज। ये भाई दाल बाटी चूरमा बहुत लोग, अभी हम लोग रुक गए हैं यार, रुक के आ गए, इन लोगों ने रोक लिया बहुत जबरदस्ती करके। वो देखो जो लोग झुंड में खड़े हैं, सब सीन है भाई, इसीलिए तो मिलेंगे और कपल लोग मिलेंगे, सब सीन मिलेंगे यहाँ पे क्योंकि लोहिया ही पार्क है। वो देखो सीन तगड़ा बना है। वेलकम बैक इन माई होम टाउन भाई, अपने गाँव। हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू नेक्स्ट ब्लॉग सुप्रत दुबे साइड ब्लॉगिंग, मतलब सुप्रत दुबे ब्लॉग्स। तो आज भी यार मतलब अब शाम को निकलेंगे घर के लिए, लेकिन उससे पहले ताई जी मतलब ताऊ जी ने रोका था ना कल की, कल दवा दिलाने चलना है, तो ताई जी की दवा दिला के आते हैं हम लोग यार। उनका थोड़ा पैर टूट गया था यार, मतलब टूट नहीं फ्रैक्चर हो गया था ये समझो, तो आज लास्ट पलस्तर रह गया है, 7 दिनों में पलस्तर चढ़ता है, तो आज भाई लास्ट पलस्तर है, बस आज का हो जाए फिर 7 दिन बाद हट जाएगा और सही हो जाएगा सब। देखते हैं क्या सीन बनेगा, हॉस्पिटल जाके पता चलेगा। काम चल रहा है बस अभी इधर, तो फर्नीचर वाला वही। तो भाई आ गए घर से, मतलब घर हॉस्पिटल से घर, यार बहुत दिक्कत हो गई हॉस्पिटल में, पता नहीं अपने आप दिक्कत होने लगी यार अंदर से, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चल रहा, हो गया राज्य साथ में। एक तो वो देखने ना देखे से प्लास्टर चढ़ रहा, तो आज अपने घर पता क्या बन रहा है, क्या चोखा बाटी और दाल, दाल बाटी चोखा ये बन रहा है। तो अब मिलाते हैं आपको भोलू भैया से, पता प्याज वगैरह लहसुन वगैरह कट रहा है, दिखाते हैं अभी देखो क्या क्या हाल है। देखो भाई दाल बाटी के लिए इतनी धूप में 3 बजे इतनी तेज आग जल रही है, ये देख रहे हो तुम इतनी तेज। बोलू भैया तीर ना जा रहे, दाल बाटी रखी है देखो, सेकनी है भाई, हम तो हम कह रहे गैस पर सेक लो ना, का कंडे ही पर सेकेंगे, तभी अच्छी तभी मजा आएगा। तो पहले जैसा जाए तो झेलो, बोलो दादा पहले आप ये पहले भाई ये सजा झेलनी पड़ेगी तब भाई, इतनी दूर जा रहे ऐसे हो रहे ना, बहुत आ रही बहुत दिक्कत है, धूप देख लो कितनी तेजी है यार। ये भाई कलर वाली मशीन, इससे नहीं कलर बनता है मशीन वो, और ये मशीन पता कौन सी है, वहाँ की है, ये कहाँ की मशीन है, एसी, अरे नहीं जो नीचे जो जा रही है, जा ट्राली कहाँ की है, और ये सीन देखो भाई जे सही हो। जय देखो भाई ट्रॉली, इसमें भाई 3000 टन डाल दो लगा रहेगा, बेक लिफ्ट वहाँ पे जाएगी, 3000 किलो मतलब 30 टन। ये देखो भाई रेडी हो गए बिल्कुल, अब घर निकल लिया है, बस आज बनाए ना वो ही दाल बाटी चूरमा वो खा लें, फिर अभी 4 बजे हैं, घंटे में 5 बजे निकल जाऊंगा घर के लिए, और अभी वो मशीन जो लग रही थी ना उसमें भाई कलर बनने लगे वो, और देखा है क्या सीन है, काम तो चलता ही रहता है इधर, देख रहे हैं। चलो भाई मशीन दिखाते हैं, रेडी भाई आगे पुराने कपड़ों में अपने सिस्टम हैंग, कलर भाई बनने लगे हैं, इन सर ने लगाई है मशीन भाई, फेस पड़ गए सुदीप भैया, सीख ली मशीन पूरी? हाँ अभी लगा रहे हैं। अच्छा हाँ, कब तक बनाओगे? बनाएंगे क्योंकि इसका टर्नओवर रहेगा हमारा 1 महीने का 10 लाख रुपए तक का। अच्छा तो ट्राई तो करो,
चलो विशाल वाले कमरा को जाएगी शाही से बनाइयो है, सही है विशाल के कमरा को जाए से बनाइयो। बात तो कम से कम आदमी बड़ी कर सकता है। ठीक है। ये भाई दाल बाटी चूरमा बहुत लोगों ने मेहनत की है बनाने में, भावपुरी मतलब जितने लोग हैं सब ने बनाए हैं, कुछ ना कुछ तो योगदान रहा ही होगा। अब हम भी मेहनत करते हैं खाने में। घी में छुपड़ी भाई एक नंबर है। भाई देखो विशाल तिवारी गेट बंद कर लिया, तैयार हुए, अच्छा खासा जाने नहीं दे रहा यार। अब पहले तो पता क्या होता है, पहले इतने लोगों से मिलो यहाँ पे हैं, सब बोलते भाई रुक जाओ हम एक को मना पाते तब ले विशाल तिवारी जे ना ही मानते हैं यार। हद है, बिल्कुल तैयार हैं रेडी, नीचे तक हो आए, लॉक कर लो गेट यार, छोड़ो विशाल भैया ना यार जा, काम आए काम है यार बहुत। भाई अभी हम लोग रुक गए हैं यार, रुक के आ गए, इन लोगों ने रोक लिया बहुत ज़बरदस्ती करके, क्या कर सकते हैं, कल आएंगे, कल जाएंगे घर। और अभी थोड़ा जुकाम हो रखा है यार, अभी दवा लेके आए। और अभी ये विशाल आए हैं भाई चप्पल लेने, चलो इधर समझ रहे, ये हाल है। और घुंटा खाएंगे अभी ये लोग, आइसक्रीम ये सब भाई, यही सब चीज़ चलती रहती, तब तो जुकाम हो गया थोड़ा, गले में प्रॉब्लम हो गई, गला बैठ गया जी। ये लोग भाई ज़बरदस्ती दवाई दिला दी, हम तो भाई दवाई नहीं ले रहे, दवाई लेने के वो इंजेक्शन लगा रहे हैं भैया, इंजेक्शन ना ही दवा दी बोल दे ना ही तो भवन आई ली, तो फिर भाई दवाई लेके आए, दवा में पता क्या मिला, तीन खुराक अलग, एक सिरप, एक ओरोटी गरारा करने वाला, उसके बाद और दो तीन दवाई मिली, पता नहीं क्या क्या, ये सीन हुआ। तो अभी तो भाई बस चप्पल देख लें, अपने ने तो ले ही ली थी अड्डा की, ये देखें भाई कौन सी लेता है, बस सीधे घर पे निकलेंगे, फिर देख के रात में निकलते हैं एक बार। तो भाई रेडी हो गए, आज ये कपड़े नहीं उतरेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, आज घर पे जाना है तो जाना है, कल पूरा घर उतरा तो चलो रुक गए, परसों ताऊ जी ने रोक लिया और पलस्तर के लिए तो तब रुक गए, लेकिन आज चाहे पूरा घर रुक गए चाहे कोई उतर के आ जाए, सुब्रत हुए यार नहीं रुकेंगे, क्योंकि जाना है भाई घर पे भी, घर पे काम है बहुत काम है, और भाई पापा मम्मी अकेले हैं यार, तो फिर अपने पेपर एग्ज़ाम वगैरह भी आ रहे हैं तो जाना तो है, आज चाहे कुछ भी हो जाए, खाना वगैरह खा लिया है तो बस निकल रहे हैं घर के लिए, मौसम भी सही हो गया है आज, पानी बरसने वाला, ठीक है, थोड़ा आराम भी कर लिया खाने के बाद, और शाम भी हो गई, अब निकल रहे हैं यहाँ से, वही कपड़े वही सब, ठीक है, लेट्स गो होम। बस थोड़ी याद तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी दवा ले ही ली है बस, और तो सब सही है, अभी क्या गला पक गया था, पक गया मतलब थोड़ा दिक्कत हो गई थी, गला बैठ गया था ये सब बस। तो भाई चलो सीधे घर निकलते हैं यहाँ से, देखो यार पता तब से बैठे हैं जैसे सारी चाबी नहीं ला रहे, तो आराम ही है, कह रहे चाबी खोइए पता नहीं लिखना, मामा बुलाए रहे हुए ना, हम ना जाए, हम तो यहीं बैठे हैं ना, मामा से मिले जाए ना, कोई की बात, कोई की बात ही नहीं, इसमें तुम बैठो चलो जाओ छोड़ो चले भाई, सबसे आराम ही विशाल है, चलो भाई अब सीधे यहाँ से निकलते हैं घर पे, बस से जाना पड़ेगा, धूप ज़्यादा हो रही है, चाहते तो और लेट, लेकिन ये जब ज़्यादा लेट हो जाते फिर ये बोलते अब तो सुबह ही जाना, देर ही की थी भाई, अरे देर ना हो जगतपुर में देर हो जाए तो, चलो निकलते हैं भाई श्री श्याम ट्रेडर्स का ध्यान रखें सब लोग, जो जो मैनपुरी के भाई श्री श्याम ट्रेडर्स पे आएँ, जिसका घर नया घर बन रहा है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है श्री श्याम ट्रेडर्स, प्रो कौन कर रहा है मिस्टर विशाल तिवारी, मोबाइल नंबर तो देख ही लेना आके, ठीक है। लोहिया पार्क आ गए हैं भाई, बीच में लोहिया पार्क पड़ गया, इधर ही हमें बस मिल जाएगी, ये देख सकते हो तुम लोग, मैनपुरी में बिल्कुल घुसोगे तुरंत ही आपको लोहिया पार्क मिल जाएगा, और अच्छा है लोहिया पार्क, ऐसी बात नहीं, एक नंबर है व्यू भाई यहाँ पे, लड़का लड़की का भी एक नंबर व्यू है, मतलब वो लोग भी आते हैं और हम जैसे सिंगल भी आते हैं, और जो आना चाहे हम माँ बाप संग बच्चे भी खेलने आते हैं, सब आते हैं टू जेड, ये देखो सीन मस्त है, ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी तो, बहुत कम लोग मिलेंगे क्योंकि हम लोग 4 बजे आए हैं, थोड़ी सी धूप है, जैसे ही धूप कम होगी और 6 बजेंगे तब यहाँ पे तगड़ा सीन बनेगा, अभी दिखाते हैं लोग तुम्हें एक बार लोहिया पार्क का। वो देखो भाई झूले वगैरह लड़े लग रहे हैं, देखो सिंगल लोग भी बैठे हैं वो देखो, और डबल लोग भी हैं देखो वो देखो, और वो सीन भी है वो देखो, जो लोग झुंड में लड़े हैं सब सीन है भाई, इसीलिए तो भाई ये लोहिया पार्क है, क्या कर सकते हैं कुछ नहीं।
वो किसकी मूर्ति है, मैनपुरी कोई थे भाई उनकी मूर्ति है। सिस्टम यहाँ पे बस एक चीज़ की कमी है, बताओ विशाल क्या बताए तो मानिए, सिर्फ इसकी ये चीज़ कमी है क्या पता, बड़े से तिरंगे की कमी है बस, और एक नंबर सीन है, एक नंबर देखो मस्त, और सब सीन बढ़िया है, सिर्फ एक तिरंगे कमी है, बड़ा सा लगा हुआ यहाँ पे तब अच्छा लगता है बस। जो भाई फैमिली बैठेगी, हमने कहा था सब सीन बनेंगे यहाँ पे, फैमिली मिलेगी, सिंगल लोग भी मिलेंगे और कपल लोग भी मिलेंगे, सब सीन मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि लोहिया ही पार्क है, वो देखो सीन तगड़ा बना है, एक नंबर सब सीन है यहाँ पे। कोई ऐसी मैं गलत बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें लोगों को बता रहा हूँ, लोहिया पार्क इसीलिए मशहूर है क्योंकि सब लोग, कैफ़े खुली हो भाई उसे देखो, उस बार आए थे कैफ़े नहीं था, इस बार कैफ़े मिल गया है, सब आ गया है, एक नंबर। लड़के बोल रहे ब्लॉग में आ गए हम, फलाना ठिकाना बोलते रहो। सुब्रत दुबे दिस साइड, अच्छा बस एक तिरंगे कमी है, वो होना चाहिए, चेयरमैन होते तो कर देते। अब आप लोगों को भाई सबसे ऊपर से सीन दिखाने लाया हूँ, इससे ऊंची जगह है नहीं यहाँ पे, वो टंकी सबसे ऊंची, उससे उसके बाद यही सीन है सबसे ऊंचा, यहीं से दिखाता हूँ पूरे लोहिया पार्क का व्यू, और अच्छा आएगा, एक नंबर देख लो, ये पूरा लोहिया पार्क, साइड बाई साइड दिखा दूँ, सब लोग बैठे हुए मिल जाएंगे, ये देखो एक नंबर व्यू है लोहिया पार्क का, ये देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सबका भाई मन होता है, उसके बाद ये सीन है बस, इतना भी वो देखो भाई, एक दो तीन, वो उधर भी थे, उधर भी थे, चार पांच लोग तो ऐसे मिल जा रहे दोपहर में, बहुत अच्छा लगता है भाई लोहिया पार्क में। पहले यहाँ पे भाई पानी भरा था और दो चार लोग वोटिंग भी कर सकते थे यहाँ से वहाँ तक इतना, लेकिन अब खाली खाली लगता है बस, बोट वोट ख़राब हो गई है, ना ही भरता यार पानी, अब पानी नहीं भरता भाई, हम कह रहे, अरे हम आए कह रहे भाई पानी नहीं भरता है अब, वो बस जा रही भाई, वो बस यार ड्रामा हो रहा, दो फरका बाद की निकल चुके हैं, छेवरा मुँह कान पर वाली नहीं निकल रही है, एक और आ गई, अब देखते हैं कौन सी है, वो देखो एक घंटे से खड़े भाई बस नहीं मिल रही, एक और आ गई, जो देखते हैं कौन सी डिपो, अजय आ गई भाई, बाय बाय दोस्त, देखते हैं क्या सीन बनता है, दो बस आ रही कुछ तो होंगी कोई ना कोई, जो दो बस आई थी वो भी भाई बेवर डिपो, पता नहीं बेवर क्या बस आई नहीं रही यार सही वाली, शिवरामू तक की एक और आ रही, देखते हैं भाई कौन सी है, वो शिवरामू जय ही है, शिवरामू भी हो सकती है, विशाल तब से प्रार्थना कर रहे ना जाए भगवान विष्णु राम भगवान बजरंग बली सबरे नाम, एक देवी देवता नहीं बचे हैं, कह रहे बस ना आए भगवान, लेकिन क्या करें बस तो आएगी और आ गई। वेलकम बैक इन माय होम टाउन भाई, अपने गांव में आ गए हम लोग, सनी भाई को फ़ोन कर दिया, सनी भाई आ रहा है लेने, कल उससे बड़े मतलब सनी के बड़े भाई की रुकाई थी भाई, मैं नहीं पहुँच पाया क्योंकि ये लोग यार इतना वही फोर्स कर रहे थे रुक जाओ, तो इसलिए कोई नहीं, अभी मिलते हैं बधाई देते हैं सनी भाई को, सनी भाई की शादी होगी तब भी बधाई देंगे, पहले अभी बधाई दे देते हैं। वो आ रहा है पीछे, सनसेट देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है, एक नंबर सनसेट है देखो भाई, देखो जब हम जूम कर रहे हैं तब वो सनसेट छोटा हो जा रहा है, अब जब मैं इधर कर रहा हूँ तब देखो बड़ा हो जा रहा है, व्हाट इज दिस, ये देखो भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या सीन है, कोई नहीं पीछे देखो भाई अपनी हाईवे इतनी अच्छी बन गई है, एक घंटा लगता मैनपुरी से बस से, मेरे हाथ में कार हो तो 45 मिनट, ये सही है बस। तो भाई आ गए घर अपने होम टाउन, देख सकते हो आप लोग, तो अभी यार सीधे घर पे आया, थोड़ी मम्मी तबीयत ख़राब थी तो वो देखा, मतलब अब तो सही हो गई हैं, उसके बाद घर का जो काम था वो किया, अब नहा धो के फिर से बैठे हैं राइट इधर बस, तो इस ब्लॉग को भाई यहीं पे एंड करते हैं भाई, लोहिया पार्क में मज़ा आया होगा आई, मुझे पता है हंसी तो आ ही रही होगी, उसके बाद मतलब अच्छा ही था यार, दबा के लाइक कमेंट शेयर करो, उस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब भाई करते रहना यार, 10K कराओ आप, 10K 10,000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो गए उस दिन पार्टी बहुत बड़ी, और इसकी भी पार्टी आने वाली है जल्दी। भारत माता की जय।